हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित मार और आप देख रहे हैं अमिटमैटिक। चले सबके साथ और रहे सबसे आगे। तो दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण जीके पावर सीरीज और उससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। तो मेरे साथ अंत तक बन रही और ऐसे ही इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज हर रोज सुबह 10 बजे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और जीके पावर सीरीज पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाएगा, उसमें क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, उसमें आपका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद सागर इज इन व्हिच रिवर? गोविंद सागर कौन सा नदी के ऊपर है? ऑप्शन है आपका ए सुतलेज, बी इंदास, सी यमुना, डी गंगेज। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए सुतलेज। दोस्तों, इस क्वेश्चन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स भी देख लीजिए। सुतलेज का सोर्स, द सोर्स ऑफ द सुतलेज इज वेस्ट ऑफ द लेक रक्सदल। लेंथ, सुतलेज का लेंथ है 1450 किलोमीटर। गोविंद सागर लेक इज द रिजर्वर सिचुएटेड इन ऊना एंड बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, फाउंड बाय द भाखड़ा डैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, व्हिच इज कॉल्ड एज बंगाल सरो? किसको बंगाल सरो कहते हैं? ऑप्शन है ए ब्रह्मपुत्र, बी दामोदर, सी गंगेज एंड डी यमुना। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी दामोदर। तो इस क्वेश्चन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स भी देख लीजिए। दामोदर का सोर्स, दामोदर कहां से उत्पत्ति हुआ है? छोटा नागपुर प्लेट। एंड दामोदर का लेंथ है 592 किलोमीटर। दामोदर का कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है बराकर, कोनर। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, बृहदीश्वर टेम्पल वॉज बिल्ड बाय? बृहदीश्वर टेम्पल किसके द्वारा निर्माण किया गया है? ऑप्शन है ए राजेंद्र चोल, बी राजराज चोल, सी कुलोत्तुंग चोल एंड डी राजाधिराज चोल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा राजराज चोल बी। दोस्तों, इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स भी देख लीजिए। राजराज चोल का फादर है सुंदरा चोल एंड मादर बनमन महादेवी। राजराज ओरिजिनल नेम वॉज अरुलमोली। दोस्तों, ऐसे इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज हर रोज अपने इनबॉक्स में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीजे अब्दुल कलाम इज फ्रॉम? एपीजे अब्दुल कलाम कहाँ से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन है ए रामेश्वरम, बी मादुराई, सी त्रिची एंड डी चेन्नई। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए रामेश्वरम। एपीजे अब्दुल कलाम से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स भी देख लीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फुल नेम ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम इज अबुल पकीर जैनुल अबेदीन अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम का इम्पोर्टेंस अवार्ड्स है भारत रत्न, होवर मेडल और पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, नवस परसमदीप्तम इज द मोटो ऑफ? नवस परसमदीप्तम किसका मोटो है? ऑप्शन है CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड डी इंडियन नेवी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स फाउंडेड इन 8th October 1932। IAF का हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली और 8th October को एयरफोर्स डे नेशनली पालन किया जाता है। एयरफोर्स डे 8th October, ये भी एग्जाम पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, इन द टर्म GIS, जी स्टैंड्स फॉर? GIS में जी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन से ए ग्लोबल, बी जियोग्राफिक, सी गुडनेस एंड डी जियोलॉजिकल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी जियोग्राफिक। GIS इज द टर्म कॉइंड बाय रोजर टॉमिलसन इन 1963। GIS is a framework to capture and analyze spatial and geographic data. N in DNA, which is a hereditary material in gene, stands for? DNA में N का full form है क्या है? A है natural, B natriuretic, C nervous and D nucleic. तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा D nucleic. तो इससे जुड़ी कुछ important key points भी देख लीजिए। DNA का full form है deoxyribonucleic acid. DNA is organized into long structures called chromosomes.
क्रोमोजोम्स में डीएनए पाए जाते हैं। सी ऑन यूनिसेफ स्टैंड फॉर, यूनिसेफ में सी का फुल फॉर्म क्या है? ए चांसलर, बी चार्टर, सी काउंसिल एंड डी चिल्ड्रन। दोस्तों यूनिसेफ में सी का फुल फॉर्म क्या है? डी चिल्ड्रन। दोस्तों इससे जुड़ी भी कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देख लीजिए। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क। अभी यूनिसेफ का हेड है हेनरियत्ता एच फोर एंड प्रेसिडेंट है टोर हट्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, व्हेन इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? ऑप्शन ए 8 जुलाई, बी 10 जुलाई, सी 11 जुलाई एंड डी 19 जुलाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी 11 जुलाई। इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे वॉज एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट इन 1989, स्टार्टेड बाय यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्निंग काउंसिल। इंडिया हैज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन आफ्टर चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड, हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन है ए 12 अक्टूबर, बी 19 अक्टूबर, सी 14 सितंबर एंड डी 7 सितंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी 14 सितंबर। इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द डेट 14 सितंबर 1949 ऑन व्हिच अ कॉम्प्रोमाइज वाज रीच्ड ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन द लैंग्वेज दैट वर टू हैव ऑफिशियल स्टेटस इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज हर रोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।